Hello students, how are you all? I'm your biology teacher, Shalini ma'am. Welcome to Blueprint Digital. अब मैं आज आपके लिए first chapter लेकर आई हूँ bio का, which is life processes. Chemistry की काफ़ी सारी chapters आप लोग videos देख चुके हैं जो upload हो चुकी हैं, ठीक है? तो biology का जो science के अंदर first chapter है, that is life processes. Student, इस हर वीडियो के अंदर बायोलॉजी की मैं एंड में आपको एक स्पेशल टिप देने वाली हूँ जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी. तो प्लीज़ एंड तक वीडियो वॉच करिएगा. अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है? विद्या जितनी बांटी जाए, नॉलेज जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है. तो ये मत सोचिए कि खाली सारी नॉलेज मैं ही गेन कर लूँ, तो दूसरों को भी थोड़ी सी नॉलेज दीजिए. इसलिए शेयर करिए वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं. व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? बहुत सिंपल सी चीज़ है, ऑर्गेनिज्म. पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी आपको एक्सप्लेन कर दूँ और मैं बताती रहूँगी. जैसे मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया था कि सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, एलिमेंट या कंपाउंड, हम कॉमन उनके लिए यूज़ करते हैं सब्सटेंस. वैसे जहाँ पर भी वर्ड ऑर्गेनिज्म आए, वी आर यूजिंग इट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट एनिमल्स दोनों के लिए ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉमन फॉर बोथ. अब हम प्लांट्स एंड एनिमल्स लिखें या ऑर्गेनिज्म लिखें, ऑर्गेनिज्म में दोनों आते हैं, ठीक है? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, जो प्रोसेसेस चाहिए होते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसे हम कहते हैं, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस. ऑल द प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस. अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो उनको प्रोसेसेस चाहिए होते हैं वो लाइफ प्रोसेस होते हैं. अब उसके एग्जाम्पल्स हैं न्यूट्रिशन. हम जो फूड इनटेक करते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, फिर एनर्जी रिलीज होती है. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फूड बर्न होता है, एनर्जी रिलीज होती है. एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हर चीज़ हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो जो चीज़ें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है वो हमारी बॉडी थ्रू आउट कर देती है, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो. ऐसे ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह प्लांट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं वो पूरा सिस्टम इज ट्रांसपोर्टेशन. रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे एक नए ऑर्गेनिज्म का बर्थ होना, दैट इज रिप्रोडक्शन. देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, प्लांट्स के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, सारे एनिमल्स के अंदर जितने बॉडी पार्ट्स हैं, सारे उनके जो पार्ट्स हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, तभी सब फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. मूवमेंट, शोइंग द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनिमल शो करते हैं, प्लांट शो नहीं करते, तो वो मूवमेंट के बारे में, ठीक है, तो ये भी हमारी क्या लाइफ प्रोसेसेस का हिस्सा है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रो करना, ठीक है, पहले चाइल्ड होता है, फिर थोड़ा सा टीनेजर उसमें आता है जैसे बच्चा, फिर उसमें जाता है एडल्ट एज में, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं लाइफ प्रोसेसेस के. अब आपके फर्स्ट चैप्टर में जो लाइफ प्रोसेस हैं, आप चार इसमें सिस्टम करेंगे. न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेसेस करेंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपके ये फोर लाइफ प्रोसेसेस हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद न्यूट्रिशन. हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से. न्यूट्रिशन फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है जो आपके सिलेबस में है इस चैप्टर का. लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सारे लिविंग बींग ही कंडक्ट कर सकते हैं, नॉन लिविंग बींग्स नहीं कर सकते. तो कभी ये क्वेश्चन भी आ जाए कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, थिंग्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, यू कैन डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, क्योंकि लिविंग थिंग्स ही ये सारे लाइफ प्रोसेसेस कंडक्ट कर सकते हैं. नाउ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता क्या है बेसिकली, पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी. अ प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स ऑब्टेन फूड, वो प्रोसेस जिसके अंदर लिविंग बींग फूड को ऑब्टेन करते हैं एंड यूटिलाइज और उसको यूज करते हैं. यूटिलाइज का मतलब यूज करते हैं फॉर ग्रोथ, बढ़ने के लिए, रिपेयर टिश्यूज सेल्स, ठीक है, उनको रिपेयर करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए,
रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के लिए एन एनर्जी रिक्वायरमेंट, डेली एक्टिविटीज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनिजम्स की, ऑर्गेनिज्म वर्ड इज यूज फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके लिए हमारे को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। हम खाना क्यों खाते हैं, आपको पता है खाना क्यों खाते हैं, खाना ताकि हमारे को एनर्जी मिल सके, हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सके, हमारी बॉडी ग्रो कर सके, और जितने भी हमारे कभी कोई चोट लग जाती है वो रिपेयर हो सके, ठीक है ना, तो वॉर्न आउट टिश्यूज़ को रिपेयर कर सके। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे को फूड की ज़रूरत पड़ती है, और ये सारा प्रोसेस जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करिए, तो आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। अब न्यूट्रिशन के दो तरीके होते हैं, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक, अनदर इज हेटरोट्रॉपिक, वन इज ऑटोट्रॉपिक, अनदर इज हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, अपने आप, तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको ये फ्लो चार्ट बनाया है, अगर आप ये पूरा फ्लो चार्ट देख लेते हैं, पूरा एक अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो आपको पूरा इतना लंबा चौड़ा नोट्स को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। फिर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। तो जब अपना ऑटो वर्ड इज टेकन फ्रॉम ऑटोमेटिक, इससे याद रखिएगा, ठीक है। तो अपना खाना खुद बना सकते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो जो खुद नहीं बना सकते वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जो खुद बना सकते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ये दो तरीके का होता है, इसके अंदर होता है फोटोसिंथेसिस और एक होता है कीमोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इन दिस द प्लांट्स ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद बनाता है इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस, अभी हम डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे इन द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्या हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उससे अपना खाना बनाते हैं। तो इसका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स, तो ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। कीमोसिंथेसिस भी प्लांट के अंदर होता है, तो ये उन प्लांट के अंदर होता है जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर दे इट टेक्स द नॉन ग्रीन ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, यूज केमिकल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के टाइम पे जो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उसको यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जब इनटेक करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तो वही हो गई कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो उनसे ऑक्सीडेशन के टाइम पे जो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है उससे ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये नॉन ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पार्टिसिपेट नहीं करता। देन आता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजाइक, इसमें तीन मोड है। तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले आपको मैं बता दूं, सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो डेड और डिकिंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा लीव्स ड्राई हो जाती है, ब्रांचेस ड्राई हो जाती हैं, या कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है और थोड़े टाइम तक वो ऐसे ही रहे, तो थोड़े टाइम में उसकी बॉडी अपने आप डिकम्पोज होने लग जाती है, ठीक है, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है, ठीक है ना, कहते हैं मिट्टी बन गया। तो वो कैसे होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया और फंगजाए जो सेप्रोफाइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेप्रोफाइट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं, उन्हीं के ऊपर फीड करते हैं और उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सेप्रोफाइट, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। और इसके दो कॉमन एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया एंड फंजाए, इनको डीकम्पोजर्स भी कहते हैं, जो डीकम्पोज करते हैं, ठीक है। देन पैरासिटिक मोड, पैरासाइट्स के बारे में आपको पता है, जो दूसरों की बॉडी पे रहते हैं और उनका डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करते हैं, भाई रह भी लिए और जो उन्होंने खाना वाना सब जो डाइजेस्ट किया वो एब्जॉर्ब किया वो सारा यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म लिव इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव इट्स फूड, उनकी बॉडी पे रहते हैं और उन्हीं से अपना खाना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्क्यूटा, इसे हिंदी में कहते हैं अमर बेल, नाम सुना होगा, ठीक है, ये जिस प्लांट के ऊपर होती है उसी का फूड पूरा एब्जॉर्ब करती है। लाइस, सबको पता है जुए हो जाती हैं सर पे, टिक्स डॉग्स के ऊपर, कैट्स के ऊपर ये टिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उन्हीं की बॉडी पे रहते हैं, उनका खून जो होता है, ब्लड जो होता है वो सक करते हैं, ठीक है। तो क्या है, ब्लड के अंदर क्या है, डाइजेस्टेड फूड, और वो डाइजेस्टेड फूड वो एब्जॉर्ब करते हैं।
होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जो होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये हम लोग फॉलो करते हैं, ह्यूमंस फॉलो करते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल अपने ऊपर लेकर चलिएगा, हम लोग क्या करते हैं, टेक इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड लेते हैं। हम ये तो है नहीं कि डाइजेस्टेड फूड लेते हैं, हम क्या ऑर्गेनिक वो लेते हैं, चाहे वेजिटेबल कुक करें चाहे नॉन वेज फूड कुछ भी लें, तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ये नहीं है कि हम प्रोटीन डायरेक्ट ले रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्ट ले रहे हैं, अमीनो एसिड डायरेक्ट ले रहे हैं, फैट्स डायरेक्ट ले रहे हैं, हम एक फूड की फॉर्म में उसको अंदर इनटेक करते हैं। टेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, डाइजेस्ट, फिर वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी के अंदर, फिर हमारे को उससे एनर्जी मिलती है इनसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल ह्यूमंस, अमीबा, फ्रॉग, मैमल्स, तो ये सब क्या करते हैं, पहले खाने को अंदर लेते हैं, हम लोग खाने को अंदर लेते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उससे एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है आपके डिफरेंट जो मैंने आपको बता दिए, तो उनका ध्यान रखना है। फ्लो चार्ट की फॉर्म में लर्न करिए, आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये पूरा फ्लो चार्ट अपने दिमाग में रखिएगा, दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, ठीक है। अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को इस फॉर्म में लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करते हैं। पहले हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स करेंगे, फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। आई विल कंटिन्यू विद द न्यूट्रिशन इन माय नेक्स्ट वीडियो विद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट्स के अंदर हम पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं पिछले फ्लो चार्ट के अंदर कि जो न्यूट्रिशन प्लांट के अंदर फॉलो किया जाता है दैट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स के अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस क्या था, जिसमें अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोमेटिक अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं किसकी हेल्प से, कौन से प्रोसेस की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस। तो अब पहले देखते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, पिगमेंट। तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, और क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में। तो चार चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायरमेंट क्या हो गई फोटोसिंथेसिस के लिए, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी हो गई हमारी वाटर, एंड थर्ड हो गया हमारा सनलाइट, एंड फोर्थ हो गया हमारा क्लोरोफिल। नाउ अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जो चीज़ हमारे को रिक्वायर्ड है ये हमारे को मिलती कहाँ से है, पहले ये चीज़ समझते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम एटमोसफेयर, एयर से, ठीक है, एयर से। सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से, एयर से। वाटर कहाँ से आता है, फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे कैसे, ठीक है। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट और रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब सनलाइट कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द सन ऑब्वियसली। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ से प्रेजेंट होता है, वो लीव्स में प्रेजेंट होता ही है। तो दीज आर द सोर्सेज फॉर द रॉ मटेरियल एंड दीज आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चार चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर ये इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन बहुत आसान है लर्न करना, प्लीज़ ये पूछ ली जाती है। और अगर आपसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूछा जाएगा या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा जाएगा तो आपको ये इक्वेशन देनी ही देनी है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच कम्स फ्रॉम द सन, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीफ एंड फॉर्म्स द फूड। प्लांट्स का जो फूड होता है उसे हम कहते हैं स्टार्च। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लांट के फूड का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो प्लांट के फूड को हम क्या कहते हैं, स्टार्च, जो एक तरह का, ठीक है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो स्टार्च और साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, द फूड ऑफ प्लांट इज कॉल्ड स्टार्च। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो अब इसकी इक्वेशन क्या है, सिक्स सिक्स सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स, ठीक है, एन सिक्स ओ टू, सिक्स सिक्स सिक्स, यहाँ पर सिक्स 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 लिखना है और यहाँ पर सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स जो इसका फूड होता है, ठीक है। ग्लूकोज अ काइंड ऑफ स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इट इज स्टोर्ड।
तो दीज आर द रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल कुछ भी पूछ लिया जाए ये आपको, बट दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होते हैं, ठीक है. अब हम देखेंगे स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस. सो देयर आर थ्री स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट. आई एम टेलिंग यू ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड विच आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस. सबसे पहला स्टेप यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कैसे है, किस स्टेप्स में होता है. तो सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल. सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल. अब हमने सब कुछ देखा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज, अभी सब कुछ देखेंगे. अब सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोफिल का यहाँ पर क्या रोल होता है. क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ के अंदर. इट्स अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर. अभी लीफ का स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. तो क्लोरोफिल का रोल क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है. तो सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल. ये सनलाइट किससे एब्जॉर्ब होती है, क्लोरोफिल से. स्टेप नंबर टू, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. अब जो इस क्लोरोफिल ने इस लाइट को एब्जॉर्ब किया है, इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में. लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस. अब इस वाटर मॉलिक्यूल का रोल आ जाता है. अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, ये किस में स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है. हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें भी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट. यहाँ पर जो ये रोल कर रही है, वो रोल प्ले कर रहा है सनलाइट, ठीक है. तो सनलाइट पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड देन इट स्प्लिट्स द वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसको स्प्लिट कर देती है. अभी जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हम ये इट इज रिमूव फ्रॉम द प्लांट्स. प्लांट इसको बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है. अब जब इसको बाहर रिमूव कर देते हैं इसको, तो क्या होगा, दैट इज ऑब्टेन बाय अस. हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, कहते हैं ना ग्रीन प्लांट्स हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, पेड़ पौधे ज्यादा उगाने चाहिए ताकि हमारे को ज्यादा ऑक्सीजन मिले. तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, इस रिएक्शन में से, यहाँ से आती है. कुछ ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर देते हैं प्लांट्स, और कुछ ऑक्सीजन जो होते हैं ये अपनी रेस्पिरेशन के लिए भी यूज करते हैं. तो थोड़ी ऑक्सीजन अपने पास स्टोर करके रखते हैं, थोड़ी ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं, ज़्यादातर तो रिलीज ही कर देते हैं, ठीक है, विच इज इनहेल्ड बाय अस, जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है. दिस इज ऑक्सीजन. तो वो ऑक्सीजन कहाँ से स्प्लिट होकर आती है, इस वाटर मॉलिक्यूल से. देन थर्ड स्टेप, अब ये ऑक्सीजन तो बाहर रिलीज हो गई, दिस ऑक्सीजन इज रिलीज, थोड़ी बहुत इन्होंने अपने लिए यूज के लिए रख ली. अब इस हाइड्रोजन का क्या होता है, इस हाइड्रोजन का जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, इसका रिडक्शन होता है. रिडक्शन का मतलब क्या था, याद है आपको, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है. तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू चार्ज. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये कंबाइन करके बनाते हैं चार्ज. हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस टू फॉर्म चार्ज. तो इस तरीके से रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा हुआ यहाँ पर, स्टार्च, ठीक है. तो इस तरीके से तीन स्टेप्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है. सबसे पहला क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करा. दूसरा, इस लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ. केमिकल एनर्जी जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करती है, किस में स्प्लिट करती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करती है. और जो ऑक्सीजन होती है वो तो रिमूव हो जाती है बाहर, हमारे को अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है. अब ऑक्सीजन रिलीज हो गई, अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज यूज विद दिस कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, ठीक है. दिस इज आउट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेप्स. तो ये तीन स्टेप्स आपको मालूम होने चाहिए. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है. आई स्टूडेंट्स, अब स्ट्रक्चर ऑफ लीफ डिस्कस करते हैं. ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कलर्ड जो डायग्राम दिया हुआ है स्क्रीन पर, दिस फिगर, ये आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, तो वहाँ पर शायद इतना आपको क्लियरली समझ में ना आए, तो मैंने एक इसका डायग्राम ड्रॉ कर दिया है. इससे आपको ड्रॉ करने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी. तो आप देख सकते हैं, द डायग्राम विल रिमेन ऑन द स्क्रीन, दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. नाउ अब आप ये देखिएगा, लीफ के लिए मैं आपके लिए एक लीफ लेकर आई हूँ. देखिए, दिस इज अ लीफ, ठीक है.
लीफ की दो सरफेस होती हैं, अपर और लोअर. दिस इज द अपर सरफेस, दिस इज द लोअर सरफेस. ठीक है, अब जो अपर सरफेस होती है आप कभी भी देखेंगे ये वैक्सी होती है. वैक्सी मतलब बिल्कुल चिकनी होती है ऊपर वाली सरफेस, दिस इज द अपर सरफेस. और नीचे वाली जो होती है वो इतनी वैक्सी नहीं होती. एक्चुअली वाटर जब इसके ऊपर गिरता है, वाटर ड्रॉपलेट्स इसके ऊपर गिरती हैं तो अपने आप स्लिप कर जाती है. ठीक है, अगर वाटर इसके अंदर रहेगा तो क्या होगा, ये लीफ एब्जॉर्ब करती रहेगी. दूसरा, वैक्सी होने की वजह से ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं वो कम प्रेजेंट होते हैं और नीचे की तरफ ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. तो इसका जितना भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करना, आउटटेक करना, ये देखिए नीचे का रफ है ना, ठीक है, तो स्टोमेटा यहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. अभी ये मैंने जो आपको ऊपर वाली लेयर दिखाई है, ये दिस ठीक है, ये ऊपर वाली वैक्सी लेयर है. तो ऊपर वाली जो वैक्सी लेयर होती है इसे हम कहते हैं क्यूटिकल. हम स्ट्रक्चर इसका लीफ का ऐसे स्टडी कर रहे हैं. ओके, ये अपर लेयर और ये बॉटम वाली लेयर, ऐसे स्टडी हो रहा है इसका स्ट्रक्चर. तो आपको शायद समझ में आ गया होगा. तो बॉटम वाली जो हो गई लोअर एपिडर्मिस, अपर वाली हो गई अपर एपिडर्मिस. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स की लेयर होती है स्किन के अंडर जस्ट सबसे ऊपर. तो आपने नाइन्थ में पढ़े थे ना एपिथेलियल टिश्यू, सेम वही चीज़ है. प्लांट के अंदर सबसे ऊपर होती है क्यूटिकल, अपर लेयर वैक्सी लेयर जो मैंने अभी आपको लीफ की दिखाई, उसके नीचे होती है अपर एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर जो होती है. देन ये पूरी मेसोफिल सेल की लेयर होती है जहाँ पर फूड जो ये प्रिपेयर करते हैं वो स्टोर करते हैं. और ये क्लोरोप्लास्ट आप इस फिगर में भी यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं दोनों को. ठीक है, ये कलर्ड है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा. ये मैंने थोड़ा सा एक आपके लिए डायग्राम रफ ड्रॉ कर दिया ताकि आपको सारे सेल्स का क्लियर हो जाए. तो ये अपर एपिडर्मिस हो गई, ये मेसोफिल सेल की लेयर हो गई जहाँ पर कि फूड स्टोर हो सकता है, जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो स्टोर होता है. और इसके बीच में आप ये रेड रेड देख रहे हैं, दीज आर क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. और यहाँ पर ये एयर स्पेसेस है, ठीक है, एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती है, यहाँ पर एयर आके एग्जिस्ट करती है. और यहाँ पर ये नीचे सबसे जो नीचे लेयर है इसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस. जो बॉटम वाली होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं. स्टोमेटा होते क्या है पहले ये समझ लीजिए. स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लेयर ऑफ द लीफ. अब वो लीफ की अपर सर्फेस पे भी होते हैं, लोअर सर्फेस पे भी होते हैं, पर लोअर सर्फेस के अंदर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं. ठीक है, ये याद रखिएगा, स्टोमेटा, मोर स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सर्फेस. टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ. ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ, लोअर सर्फेस पे ज़्यादा होते हैं. फंक्शन होता है ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या है, वाटर का लॉस होना एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करना, ऑक्सीजन को गिव आउट करना. तो ये सारा जो प्रोसेस होता है दैट इज डन थ्रू स्टोमेटा. तो मैंने यहाँ पर ये आपके लिए स्पेशली ये बनाया है. ये आप देख रहे हैं रेड कलर का जो है, रेड कलर के जो सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स. लीफ की लोअर एपिडर्मिस में ये प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स. और गार्ड सेल के बीच में ये जो पोर देख रहे हैं, ब्लैंक पोर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पोर देख रहे हैं आप, आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, तो ये जो पोर देख रहे हैं दीज आर स्टोमेटल पोर, ये स्टोमेटा जिसे हम कहते हैं. ये स्टोमेटल पोर जो होते हैं इसी के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं. अब ये स्टोमेटा हर टाइम खुले नहीं रहते हैं, एवरी टाइम दे आर नॉट ओपन. इनको क्लोज किया जाता है और बंद किया जाता है. अब इन्हें क्लोज और बंद कौन करता है, ये गार्ड सेल करते हैं. गार्ड सेल की अभी हम फंक्शन बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको पूरा ये इसका इतना स्ट्रक्चर आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि इसकी लेबलिंग आ जाती है आपको, आपको इसके पार्ट्स मालूम होने चाहिए. सो दिस डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब मैं ये आपको बता रही हूँ, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज स्टोमेटल पोर. अब इसको ओपन और क्लोज कौन करते हैं, ये गार्ड सेल, ये जो गार्ड सेल्स हैं दीज आर गार्ड सेल, गार्ड करते हैं इसको ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए. कब खुलेगा कब बंद होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, गार्ड सेल के ऊपर. तो ये जो दो सेल्स हैं दीज आर गार्ड सेल्स. यहाँ पर मैंने लोअर एपिडर्मिस में इतने सारे गार्ड सेल्स दिखाए हैं, यहाँ पर ये गार्ड सेल है. ठीक है, और ये बीच में जो है ये स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर. ठीक है, मार्क किया. अभी इस टाइम ओपन है, दिस इज ओपन राइट नाउ. ठीक है, अब बाकी की लेबलिंग देख लीजिए, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाया है. और दोनों गार्ड सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. तो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट लेबलिंग के लिए आ जाते हैं, इनका ऑर्डर आ जाता है, आपको मालूम होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेबलिंग के पार्ट्स आ सकते हैं, ABCD लेबल करने के लिए आ सकता है, आपको ऑर्डर भी मालूम होना चाहिए. तो ये जो सराउंड कर रहे हैं दीज आर गार्ड सेल, आप देख रहे हैं दीज आर गार्ड सेल. और ये जो बीच में ओपन एम्प्टी है ये मैं इसको फिल कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए दिस. ठीक है, दिस इज स्टोमेटल पोर और स्टोमेटा.
ठीक है, ये स्टोमेटल पोर हो गया, ये सराउंडेड बाय गार्ड सेल, गार्ड सेल के अंदर ये बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं और दोनों गार्ड सेल के अंदर जो सराउंड कर रहे हैं, दो गार्ड सेल होते हैं, दोनों के अंदर एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें चार चीज़ें होती हैं, जो चार आपको पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर लेबल करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ओपन स्टोमेटल पोर। अब क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है, ये थोड़ा ब्रॉड है उसको थोड़ा नैरो बना दीजिए। ठीक है, क्लोज हो गया, और नैरो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे ऐसे सराउंड करिए, ऐसे सराउंड करिए, ज़्यादा आपको डायग्राम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेन दिस इज क्लोरोप्लास्ट, एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ, तो ये हमारा हो गया स्टोमेटा क्लोज। बाकी सारे पार्ट सेम है, गार्ड सेल्स, ठीक है, न्यूक्लियस, और ये हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट। ये चार पॉइंट्स हैं जो आपको लेबल करने के लिए आ सकते हैं। और ये डायग्राम ब्रॉड बना दीजिए, थोड़ा सा नैरो बना दीजिए। दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज्ड, दिस इज क्लोज्ड। ठीक है, स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा के फंक्शन क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। अब गार्ड सेल ओपन और क्लोज कैसे करते हैं स्टोमेटा को, वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको गार्ड सेल्स और स्टोमेटा का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि कैसे ये प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा गार्ड सेल्स के बीच में। अब ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है स्टोमेटा की, डिपेंड करती है टोटली गार्ड सेल्स पे। गार्ड सेल्स का मेन फंक्शन ही ये होता है, गार्ड सेल, फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, फंक्शन इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो स्टोमेटा ओपन होंगे क्लोज होंगे किसके कंट्रोल में रहता है, गार्ड सेल के कंट्रोल में। तो गार्ड सेल का काम ही क्या है, स्टोमेटा को ओपन करना और क्लोज करना। अभी ओपन कब होंगे और क्लोज कब होंगे ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, पानी की हेल्प से ही, वाटर की हेल्प से ही ये गार्ड सेल जो है स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करते हैं। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जब वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जैसे ये ओपन कंडीशन में है तो इसके अंदर बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये स्वेल कर जाते हैं। स्वेल का मतलब है फूल जाते हैं। ठीक है, तो एंडोस्मोसिस होता है और ये स्वेल कर जाते हैं, और जब ये स्वेल कर जाते हैं उसकी वजह से ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब जब ये क्लोज होते हैं, किस टाइम क्लोज होते हैं, जब इनके पास पानी की कमी होती है, पानी की शॉर्टेज होती है। फ्लोज इन टू देम एंड स्टोमेटा ओपन, द गार्ड सेल श्रिंक वेन शॉर्टेज ऑफ वाटर इज देयर। जब पानी की कमी होती है तो ये श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। जब ये श्रिंक करते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, और जब ये स्वेल करते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। ठीक है, यू कैन सी माई हैंड, सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टेक प्लेस। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ स्टोमेटा, स्टोमेटा के फंक्शन, एंड देन गार्ड सेल्स, गार्ड सेल के फंक्शन, और हाउ इट ओपन्स एंड क्लोज। ठीक है, हम एक अलग से एक वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके अंदर हम सारी एक्टिविटीज़ बायोलॉजी की लेकर आएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी जो फोटोसिंथेसिस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम एक अलग वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ये वीडियोज़ के बाद, तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, तो उसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ कवर होंगी कि कैसे आपको एक्टिविटी लिखनी है, कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एंड में आपको एक टिप बताऊँगी, इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, जिससे आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हमारा प्लांट न्यूट्रिशन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले जो इंपॉर्टेंट टिप का मैंने प्रॉमिस किया था वो सुनिए आप ध्यान से। स्टूडेंट्स, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मैं खाली साइंसेस की बात नहीं कर रही हूँ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए कर रही हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ लर्न करनी है, ठीक है, अपने दिमाग में बिठानी है, तो सबसे आसान तरीका होता है फ्लो चार्ट की हेल्प से। चाहे आप SSC करें, चाहे आप हिंदी करें, चाहे आप मैथ्स करें, चाहे आप साइंसेस करें, चाहे आप कोई भी कंप्यूटर का भी कोई सब्जेक्ट हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। फ्लो चार्ट के टाइम की आपके क्या एडवांटेजेस होती हैं, एक तो फ्लो चार्ट बनाने में, जैसे मैंने आपको ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बताया, अब अगर आपको मैं इतना पेज पूरा कंप्लीट लिख कर देती तो आप सोचते इतना सारा काम, इतना सारी चीज़ें हमारे को लर्न करनी है, बट फ्लो चार्ट की हेल्प से आप क्या करते हैं, आपके लिए रिकॉग्नाइज करना, लर्न करना आसान हो जाता है। तो आपको कॉन्सेप्ट को शॉर्ट एंड ब्रीफ में लिखना होता है,
और ये आपको हेल्प करेगा ड्यूरिंग द रिवीजन इन द एग्जामिनेशन टाइम. अब एग्जामिनेशन टाइम पे क्या होता है, दो दिन मिलते हैं, तीन दिन मिलते हैं, इस बार तो 3 डेज थे स्टूडेंट्स के पास. तो उस टाइम पे आप पूरी फिजिक्स भी रिवाइज करनी है, केमिस्ट्री भी रिवाइज करनी है, बायो भी रिवाइज करनी है, तो उन सबको एक साथ रिवाइज करना पड़ता है. तो और इतने सारे नोट्स होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता. अगर आपने टाइम टू टाइम साथ के साथ अपने फ्लो चार्ट बना रखे हैं तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, उन फ्लो चार्ट से गो थ्रू होना है. और जैसे आप फ्लो चार्ट से की पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मैंने आपको की पॉइंट, प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेटरोट्रॉपिक कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब इतनी लंबी डेफिनेशन, द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड हॉटर, तो इतना लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं है. फ्लो चार्ट बनाइए एंड ईजी टू रिकोगनाइज, उसके बाद आगे करते चले जाइए. ऐसे मैंने केमिस्ट्री में भी जो आपको सॉल्ट्स की प्रिपरेशन बताई थी वो भी आप फ्लो चार्ट की हेल्प से लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना. तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू, लर्न द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि नॉलेज जितनी शेयर करते हैं उतनी ज्यादा इंक्रीज होती है. ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर.